स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSP तासु पर। BPSC टीचर से रिलेटेड पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का अपडेट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। नियुक्ति के बाद 1,70,00,000 शिक्षकों को मिलेगी इंडक्शन ट्रेनिंग। चलिए देखते हैं विस्तार से। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले 1,70,00,000 शिक्षक इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद स्कूल भेजे जाएंगे। शिक्षकों को इंडक्शन ट्रेनिंग देने के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षा संकाय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के सेवानिवृत्त प्राध्यापक रखे जाएंगे। साधन सेवी के रूप में रखे जाने वाले विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षा संकाय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को मानदेय के रूप में प्रति कक्षा 1,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। आवेदन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT को ऑनलाइन दिए जाने हैं। आपको याद दिला दूं कि राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 74 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहा है। इन 74 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य शिक्षा शोध की नियुक्ति एवं अंतिम चरण में है, जिन्हें नियुक्ति के उपरांत शिक्षा विभाग के द्वारा इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाना है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षकों को इन प्रशिक्षणों के बेहतर संचालन हेतु विभाग को साधन सेवी के रूप में विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, एसोसिएटेड प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए साधन सेवी का मानदेय के रूप में 1,000 प्रति कक्षा यानी कि 90 मिनट का यात्रा भत्ता सहित भुगतान किया जाएगा। साधन सेवी के रूप में रखे जाएंगे शिक्षा के रिटायर्ड प्राध्यापक। 1,000 रुपये प्रति कक्षा मिलेंगे मानदेय। थैंक यू।